पहाड़ समाचार में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार पुलिस के हत्थे चढ़ा फर्जी आईपीएस अधिकारी, सहारनपुर जिले का रहने वाला है फर्जी अफसर गिरफ्तार। तो सीबीआई में डीसीपी के पद पर तैनात आईपीएस अफसर बताता था आरोपी, तो हरिद्वार की एक लड़की के साथ करने वाला था शादी। एक फर्जी आईडी और अफसर की वर्दी बरामद हुई है। सहारनपुर जिले का रहने वाला एक फर्जी आईपीएस अधिकारी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। तो आरोपी वसीम खुद को सीबीआई में डीसीपी के पद पर तैनात आईपीएस अफसर बताता था और हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में युवती को झांसा देकर उसने युवती के साथ सगाई की थी और शादी करने वाला था। शक होने पर युवती के भाई ने बहादुराबाद थाने में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने सहारनपुर के बेहट से वसीम को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से पुलिस को एक फर्जी आईडी कार्ड और आईपीएस अफसर की वर्दी बरामद हुई है। सीबीआई में डीसीपी के पद पर अपने आप को तैनात बताता था ये फर्जी आईपीएस और हरिद्वार की एक लड़की के साथ ये शादी करने वाला था। एक फर्जी आईडी और अफसर की वर्दी इसके पास से बरामद हुई है। हरिद्वार पुलिस के हत्थे ये फर्जी आईपीएस अधिकारी चढ़ा। बहादुराबाद थाना क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व जो है एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वसीम नाम के एक व्यक्ति द्वारा जो है सगाई की गई है, लेकिन उनको शक है कि वो जो अपने सीबीआई में डीसीपी बता रहा है और आईपीएस अफसर बता रहा है, उनको शक था कि कहीं ना कहीं ये झूठ बोल रहा है। इसके आधार पर उनके द्वारा कुछ प्राथमिक जानकारी की गई, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। जब जानकारी की गई तो पता चला कि यह फेक आईडीज बनाकर जो है लोगों को ठगता है। आसपास के क्षेत्रों में इसकी शिकायत थी। इसको देखते हुए टीम को रवाना किया गया था, जिस पर अभियुक्त वसीम को बेहट से गिरफ्तार किया गया। इसके पास से फर्जी फेक आईडीज 8 जो बरामद हुई, साथ ही साथ फेक वर्दी भी बरामद हुई।